हेलो दोस्तों, मैं दोबारा से आप लोगों के पास एक बैंक ईएमआई का वीडियो लेकर आया हूँ। ऐसा है कि मैंने भी कुछ दिन पहले गूगल में सर्च किया था कि एनुअल लोन पेमेंट के बाद कितना प्रिंसिपल अमाउंट जमा हो रहा है और कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, एक कैलकुलेट में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था मैं। तो अभी क्या है कि एक नया ऐप आया है, ये जो देख रहे हैं आप, फाइनेंशियल कैलकुलेटर इंडिया, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं दिखा रहा हूँ, ये आ गया हमारा प्ले स्टोर, यहाँ पे फाइनेंशियल कैलकुलेटर, सॉरी, यहाँ पे फाइनेंशियल कैलकुलेटर मैंने सर्च किया था तो आ गया मेरा। आपको सर्च करना पड़ेगा फाइनेंशियल कैलकुलेटर, ये देखिए यहाँ पे है फाइनेंशियल कैलकुलेटर इंडिया, ये वाला मेरा डाउनलोड किया हुआ है। चलिए अब इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल कैलकुलेटर इंडिया प्रो, ये लोन बेसिस है, यहाँ पे लोन एडवांस फिक्स डिपॉजिट। चलिए हम अभी ईएमआई कैलकुलेट करके बताते हैं। सब कुछ करता है, अरे ट्रैक्स यार, ऑल माय मनी, स्टॉक्स, ये ऐड के म्यूचुअल फंड्स, चक्कर में एफडी, सेविंग्स। सारा यार डर डर जाता है। यहाँ पे देखिए, अब ये करने से, टच करने से आपको खुल जाएगा, ये आपका आ गया ईएमआई रीपेमेंट। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, देखिए मंथली रीपेमेंट, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, लोन टर्म। तो हम मंथली रिपेमेंट पे ही आते हैं। यहाँ पे है लोन अमाउंट, लोन अमाउंट में डाल देता हूँ 7 लाख, एनुअल इंटरेस्ट 12.5 कर देता हूँ, टर्म कर देता हूँ 15। एक होम लोन का मैं कैलकुलेट करके दे रहा हूँ, ईएमआई वगैरह अभी कैलकुलेट हो गया। देखिए इसका आ गया मंथली रिपेमेंट 8,627, प्रिंसिपल पेड 1 साल का हिसाब है ये 7 लाख, इंटरेस्ट पेड, सॉरी 1 साल का नहीं है, ये टोटल फिगर दिखा रहा है। यहाँ पे पूरा देखिए, इसका 15 साल का जो हिसाब है, आपका मंथली रीपेमेंट ईएमआई आ रहा है 8,627, प्रिंसिपल पेड 7 लाख, इंटरेस्ट पेड 852,978.15 रुपये, और टोटल जो आप पेड कर रहे हैं उसका अमाउंट हो रहा है 15,52,978.15। चलिए अभी इसका जो मंथली रिपेमेंट का जो लोन अमाउंट, एनुअल इंटरेस्ट, लोन टर्म, इसका रिजल्ट बताते हैं रिपोर्ट पे आके। देखिए यहाँ पे जो है 1 ईयर, 1 ईयर पे जो है 16,982.99 रुपये प्रिंसिपल पेड हो रहा है, मतलब उसका असल पेड हो रहा है, इंटरेस्ट पेड हो रहा है 86,548.88 रुपये।
ईयर एंड लोन बैलेंस कितना माइनस हो रहा है आपका 7 लाख से, यहाँ पे बच रहा है आपका 6,83,017। अच्छा अभी दूसरे साल पे जाइए, ईयर टू, प्रिंसिपल अमाउंट इससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, 19,231.81। देखिए पहले ईयर जमा हुआ था 16,982, अभी दूसरे साल जमा हो रहा है 19,231। और आपका इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे 84,300 लग रहा है दूसरे साल में, पहले साल में जो लग रहा था 86,548, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ये 2 साल के बाद आपका लोन का जो बकाया रह जाता है, मतलब जो ड्यू रह गया, 6,63,785। अभी तीसरे साल में चले जाइए, तीसरे साल में आपका प्रिंसिपल अमाउंट और थोड़ा बढ़ जाएगा, 21,778 हो गया। और यहाँ पे भी इंटरेस्ट देखिए, पहले साल जो 86,548 ले रहा था, दूसरे साल 84,300, अभी 81,753। मतलब आपका प्रिंसिपल बढ़ रहा है और इंटरेस्ट घट रहा है। यहाँ पे देखिए 3 साल के बाद आपका लोन बैलेंस रह जा रहा है 6,42,06.78। 4 साल में देखिए, 4 साल में 24,000 हो गया, उसके बाद यहाँ पे जो इंटरेस्ट हो रहा है 78, ऐसे ऐसे घटता जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाएगा। अभी आगे चलिए, इतना करके देखने से लंबा हो जाएगा वीडियो, तो उसमें स्क्रॉल अप करके दिखा रहा हूँ। अभी देखिए 10 साल में क्या हो गया, 10 साल में आपका जो एनुअल पेड कर रहे हैं आप EMI, 10 साल में हो गया 52,007.80। ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट जमा हो रहा है और मतलब असल, और इंटरेस्ट जो हो गया वो देखिए, पहले साल दे रहे थे 86,548, अभी 10 साल देने के बाद 51,524। मतलब एक सबसे घटता रहता है, ये बैंक लोगों का सिस्टम है। मुझे तो पहले पता नहीं था है कैसे हो, कैसे कैसे हिसाब करते हैं, तो अभी आसानी से समझ रहा हूँ। ये जो है देखिए, 10 साल में आपका लोन बैलेंस रह रहा है 383,486। उसके बाद 11 साल में देखिए 58,000, 12 साल में 66,000, 13 साल में 75,000, 14 साल में 85,000, 85,000। अभी देखिए 11 साल में इंटरेस्ट पेड हो रहा है आपका 44,000 लग रहा है, और 12 साल में 36,000, 13 साल में 28,000, 14 साल में सिर्फ 18,000 इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ईयरली आपका 7 लाख का लोन में। यहाँ पे जो देखिए 14 साल के बाद जो लोन बैलेंस रह रहा है 96,849। अभी देखिए ये 15 साल में, मतलब लास्ट ईयर हो रहा है आपका, लास्ट ईयर में आपका 96,849, 96,849 रुपया आपका प्रिंसिपल पेड हो रहा है और इंटरेस्ट लग रहा है सिर्फ 6,682 रुपया, और आपका लोन क्लियर हो गया। तो टोटल देखिए यहाँ पे आपका प्रिंसिपल 7 लाख पेड हो गया, जो इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं आप 15 साल में 8,52,978.15 रुपये, और लोन बैलेंस 0 हो गया। तो एक बहुत ही अच्छा लगा मुझे, आप भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो मैंने ईयरली बेसिस किया है, अभी मंथली बेसिस पे जाएंगे।
तो देखिए मंथली का जो पहला मंथ में है आपका लोन अमाउंट का पहला मंथ में जो प्रिंसिपल पेड हो रहा है 1335, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं 7291, 7291। अभी इधर देखिए इनपुट में क्या है आपका मंथली रिपेमेंट 8627। अभी रिपोर्ट में देखिए यहाँ पे है आपका इंटरेस्ट लग रहा है 7291, बाकी जो हो रहा है 1335 रुपये वो प्रिंसिपल पेड हो रहा है। तो इस स्क्वायर करके मैं देख रहा हूँ। अभी देखिए एक साल का थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, टोटल साल में आपका 16982 रुपया पहले साल में प्रिंसिपल पेड हो रहा है, और जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं 86548। वही जो मैंने ईयरली हिसाब से आपको दिखाया था, यहाँ पे मंथली भी आप निकल सकते हैं। ये दूसरा ईयर 19231 ऊपर लोन बैलेंस 6,63,000। उसके बाद देखिए तीसरे साल में, चौथे साल में, पांचवें साल में, दस साल में देखिए 52,000 आपका प्रिंसिपल जमा हो रहा है, इंटरेस्ट 51,524 और लोन बैलेंस 3,83,000। 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 14 साल में आपका प्रिंसिपल जमा हो रहा है 85,524, यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहे हैं आप 18,000। और लास्ट ईयर में देखिए आपका 96,96,849 रुपये आपका प्रिंसिपल जमा हो रहा है और 6,682 रुपये इंटरेस्ट, और आपका लोन बैलेंस जीरो हो गया। तो आई होप आप समझ चुके होंगे, ठीक है, बस इतना ही। थैंक यू।